हेलो दोस्तों, आज का वीडियो न्यू है। एक तरह से माना जाए कि बताने वाला हूँ कि आलसी। जी हाँ, आप सही सुने, आलसी। एक तरह से बताया जाए आलसी, लेकिन कहने का मतलब सही तरह से अगर बताया जाए तो ये है बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी में युवाओं का, लड़कों का कुछ इस तरह का हाल है जो मैं आज आपको नए तरीके से दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, तो लास्ट तक देखे और मजा ले कि देख सकते हैं किस तरह एक लड़का मतलब बेरोजगारी या आलसी, मतलब दोनों का एक ही कहने का मतलब है। अगर इसके पास जॉब नहीं है तो कहीं ना कहीं कारण ये जॉब के चलते आलसी हो जाने के कारण देख सकते हैं किस तरह सोया हुआ रहता है। कभी इधर पलटी मारता, कभी उधर पलटी मारता है, कभी इधर आता है, कभी उधर जाता है। मतलब देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक हालत हो गया है कि जिस तरह आजकल के लड़कों लोग को काम करने की ज़रूरत है, कहीं काम धाम करने की ज़रूरत है, लेकिन आजकल के युवा घर में देख सकते हैं इस तरह पड़े हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं। देख सकते हैं मैं आपको पूरी तरह वीडियो दिखा रहा हूं, लेकिन घर वालों का भी कहना है लड़के कहीं काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सही बात बताएं तो यार, जब तक खुद की पसंद के या एडजस्ट थोड़ा मोड़ा होता है, लेकिन अगर ज़्यादा ही एडजस्ट किया जाए तो लड़का कहाँ जाता है। तो देख सकते हैं मतलब कहीं ना कहीं कारण जॉब नहीं मिलने के कारण देख सकते हैं लड़के लोग सिर्फ दिन भर सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मोबाइल टीवी देखते हैं, उसके बाद जैसे ही शाम होता है फिर सो के उठते हैं और फिर अपने काम धाम जो डेली का रूटीन, मतलब एक तरह से बताया जाए कि देख सकते हैं किस तरह लड़कों लोगों का हालत हो गया है। अभी नहीं, ये होश नहीं है कि सुबह है कि शाम है कि क्या समय हो रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप लोग अगर माने यहाँ तक रुके हैं तो थोड़ा लास्ट तक देखें और सोचें कि देख सकते हैं आपके घर में क्या, हाँ आपके घर में भी इस तरह का लड़का है जो कि देख सकते हैं पते नहीं है। जी हाँ बिल्कुल सही सुने, तो हो सकता है आपके घर में या अगल बगल भी इसी तरह का बहुत सारा एक दो लड़का जरूर ही होगा जो काम को हमेशा बोलता है भाई काम नहीं मिल रहा है, भाई ये नहीं वो नहीं, लेकिन देखा जाए तो दिन भर इधर सो के उधर सो के इधर पलटी मार के उधर पलटी मार के। जी हाँ, जिस तरह इस वीडियो में देख रहे हैं उस तरह एक दो आपके घर में भी होगा या नहीं है तो अगल बगल होगा, अगल बगल नहीं तो आपके जिले में होगा, आपके जिले में नहीं तो राज्य में होगा। मतलब कहीं ना कहीं एक दो लड़का ऐसा ही होता है जो मतलब बताता है कि हमको इस तरह का काम नहीं मिल रहा है या जॉब नहीं मिल रहा है, जिस कारण वो लोग घर में बैठे बैठे इतना टेंशन ले लेते हैं, इतना टेंशन ले लेते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, कब सोना है कब जागना है, रात तो रात दिन तो दिन, इन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली सो रहे हैं। सही बताएं तो इनको नींद आ ही नहीं जाता है, ठीक है सही बता रहा हूँ तो इनको नींद आता ही नहीं है, इनका दिमाग में इतना टेंशन भरा है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में यार, ना हंसी ना खुशी ना समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देख सकते हैं जिस तरह अभी देखा आपने, ये उठने के बाद देख सकते हैं ये रात में भी लोग सो के उठता है, मतलब समझ ही नहीं आता है कि दिन है कब रात है। जिस तरह ये सब लड़के दिन भर सो के गुजारते हैं और शाम होने के बाद इन लोगों को लगता है यार इतना समय हो गया, क्या वाकई में मैं दिन भर सोया था या कहीं और गया था। तो देख सकते हैं किस तरह ये लोग आजकल के लड़के खुद को महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि किस योग्य हैं, क्योंकि उनके शरीर में मतलब उस तरह का फिटनेस या उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं लौट रहा है। कहीं ना कहीं कारण इसका जॉब का एक तरह से बताया जा रहा है, क्योंकि जॉब अभी के कारण अगर कमाने खमाने के उम्र में अगर लड़कों लोगों के पास जॉब नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं इन लोगों की जिम्मेदारी हो या जिंदगी कितनी कठिन से आज कल बीत रही है। अगर ये लोग खुद का खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं तो सोच सकते हैं कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं लड़के। वीडियो में अगर लास्ट तक बने तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अगर इतना अगर आप नया सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, आपका दोस्त नया वीडियो लेके आया है, ठीक है। और देख सकते हैं किस तरह आगे पीछे दाएं बाएं कभी खिड़की की तरफ देखता है, कभी फिर आएगा, फिर इधर बैठेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, मतलब ये लोग जीवन में जो है जो रेगुलर जो जीवन जी रहा है उसी तरह का जीवन जी रहा है। तो कहीं ना कहीं आजकल के युवाओं को अपना थोड़ा सा मेंटली दिमाग का वो चेंज करना होगा, इन्हें आगे बढ़ना होगा, यहाँ नहीं वहाँ नहीं लेकिन कहीं बाहर ही या जहाँ भी मिले लेकिन काम करते रहना होगा। क्योंकि अभी अगर इन लोग इस तरह अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे, अपने आप को कोरियापन महसूस करेंगे तो कैसे चलेगा। बहुत ही ये ख़राब बात है कि अभी के युवाओं लोग इस तरह का सोच रख रहे हैं या इस तरह का ही लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ख़राब संकेत हो रहा है अभी के नया लड़के लोगों के लिए कि ये लोग को कमाने खाने की उम्र में अगर ये लोग इस तरह आराम फरमाएंगे, इस तरह काम धाम से दूर भागेंगे तो बहुत दुख की बात है। चलिए दोस्तों, आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड।